नमस्ते एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सिक्स पैनल की यह फ्रॉक कुर्ती बनाना सीखेंगे। इसके नीचे हमने पाकिस्तानी सलवार को रेडी किया है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम यह सलवार बनाना सीखेंगे। आज की इस वीडियो में हमने यह कुर्ती कैसे रेडी की है, इसकी प्रॉपर कटिंग व स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पर हमने एक्सेल साइज में यह कुर्ती रेडी की है और प्रॉपर फिनिशिंग के साथ हमने इसे कैसे तैयार किया है, इसकी स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगी। इसके लिए हमने यहाँ पर कपड़ा लिया है जिस लेंथ यहाँ पर 42 इंच है, यानी कि यह हमारा 2.25 मीटर कपड़ा है। अब हमने इसे डबल फोल्ड करके बिछा लेना है। यहाँ पर मैं इसको उल्टा कर रही हूँ क्योंकि हम इस पर निशान लगाएंगे तो वह हमारे उल्टी साइड आए। हम इसको डबल फोल्ड करके एक बार फिर से फोर्थ फोल्ड कर लेंगे, यानी कि किनारे से किनारे की साइड मिलाते हुए। यहाँ पर इसकी बंद साइड है जो मेरी साइड है और ओपन साइड है इसकी जो हमने बाहर की तरफ रखी है। यहाँ पर यह साइड में हमारी कुर्ती का माप है जिस मेजरमेंट से हम इसको कटिंग करेंगे, तो यह तैयार माप था। अब यहाँ पर हमने जो है 4.5 इंच का ऊपर कंधे की साइड से एक निशान लगाया है और नीचे की साइड 16 इंच पर एक निशान लगाया है और सेम 4.5 इंच का इस पर निशान लगाते हुए यहाँ से सीधी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब नीचे की साइड भी हम यहाँ पर 9 इंच की यहाँ पर इसकी चौड़ाई को लेंगे और एक निशान को लगा लेंगे। अब हमने जो 16 इंच पर 4.5 इंच का निशान लगाया था उसको और इस 9 इंच को निशान को मिलाकर एक सीधी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। यह हमारी फ्रंट में जो पैनल आएगा उसके लिए निशान है। यहाँ पर से हम इसकी अब कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमने जो फ्रंट में हमारे पैनल आएंगे उसकी कटिंग कर ली है। अब हमारा जो साइड में बचा हुआ कपड़ा था उसको बदलते हुए जिसकी किनारे की साइड है, जैसे मैं रख रही हूँ यहाँ पर, आपको इसके ऊपर ऐसे इसको बिछा लेना है। यहाँ पर हमने इसको 1/2 इंच का मार्जिन दबाते हुए इसको रख लेना है क्योंकि यहाँ पर हमारे जो सिलाई में भी कपड़ा जाएगा। अब यहाँ पर से हम अपने कंधे को मार्क करेंगे। मैंने यहाँ पर इसके 7 इंच का निशान लगाया है और आर्म होल के लिए हम यहाँ पर 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। सेम यहाँ पर 7 इंच का निशान फिर से लगाएंगे और हिप की गहराई के लिए हमने यहाँ पर 14 इंच का एक निशान लगाया है। हम यहाँ पर कमर की जो निशान लगाएंगे अपने आर्म होल से 7 इंच का एक निशान देकर यहाँ पर लगाएंगे। अब हम अपनी फिटिंग को निशान कर लगाएंगे। यहाँ पर हमारी फिटिंग 40 इंच रेडी है तो हम यहाँ पर 10 इंच का एक निशान लगाएंगे और 1.5 इंच से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। सेम हम कमर पर, हमारी कमर 36 इंच रेडी है तो हम 9 इंच का एक निशान लगाएंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे। अब यहाँ पर हम अपने आर्म होल की शेप दे देंगे। साथ में हमने जो एक्स्ट्रा फिटिंग के लिए निशान लगाया था उनको मिला लेंगे। अब हमने नीचे की साइड जो हमारा घेर है यहाँ पर निशान लगाना है। यहाँ पर जो हमने 2 इंच का कमर पर एक्स्ट्रा मार्जिन रखा हुआ था वहाँ से मिलाते हुए 3/6 इंची टेप रखते हुए एक सीधी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और नीचे से हमने जो है हल्की 1 इंच का उठाव रखते हुए नीचे गोलाई दे देनी है। अब हमने यह जो मार्किंग कर ली है यहाँ से कटिंग कर लेंगे।
यहाँ पर हमारी इस कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। यह देखिए, अब यहाँ पर हमारे जो ऊपर से पैनल जॉइंट हैं बैक और फ्रंट को, इनको भी अलग अलग कर लेंगे। यहाँ पर हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग नहीं करेंगे। यह कटिंग हम जब इसकी यह कलियाँ जोड़ लेंगे तब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो चलो हम इसके जो पैनल हैं इनको जॉइंट कर लेते हैं। यह बीच में हमारा साथ में और दोनों साइड हमारी एक एक कलियाँ दोनों साइड जॉइंट होंगी। यहीं पर हम इसकी जो स्लीव्स की कटिंग है वह भी कर लेंगे। यहाँ पर हमारी कुर्ती का फैब्रिक कम था तो हमारे पास फैब्रिक नहीं बचा, तो हमने जो इसकी बॉटम रेडी की है वहाँ से इसकी साइड से फैब्रिक बचा है, यहीं से हम इसके लिए स्लीव्स की कटिंग करेंगे। यह देखिए, यहाँ पर किनारी है और ओपन साइड है, तो हम इसमें जॉइंट लगाएंगे तो वह नज़र आएगा। तो हम यहाँ पर जो है थोड़ा डिजाइन करेंगे। इसकी वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की है। सेम मेथड से हमें आपको जितनी आपने अपने स्लीव्स को रेडी करना है उसके अकॉर्डिंग आगे निशान मार्क कर लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। और नीचे स्लीव्स की कटिंग के लिए आपको इसकी राउंड देने के लिए कई बार कन्फ्यूजन यह रहती है कि हमें 2 इंच पर या 3 इंच पर या 4 इंच पर कब हमें इसकी कटिंग करें। तो जब सबसे पहले हम निशान लगाएंगे जितना आपको आर्म होल रेडी करना है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हुए। तो मैंने 3 इंच का निशान लगाकर इसकी गोलाई को किया है। यह डिफरेंट डिफरेंट स्लीव्स पैटर्न में इसकी जो है नीचे से गहराई कम या ज़्यादा होती है। तो सभी पैटर्न में सेम मेथड से आप स्लीव्स की कटिंग नहीं कर सकते हैं। यह नॉर्मल तरीका है जिसमें हम सिंपल स्लीव्स को कट करते हैं तो नीचे से हम 3 इंच की गोलाई को देते हैं। तो यहाँ पर यह देखिए, हमारी जो है स्लीव्स की कटिंग भी हो चुकी है। इसकी जो ओपन साइड है यहाँ पर हम डिजाइन लगाएंगे और अपनी स्लीव्स को रेडी करेंगे। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले हम इसकी जो साइड की कलियाँ हैं उनको लेंगे। यहाँ पर हम फ्रंट साइड में इसमें लैस को अटैच करेंगे, तो एक साइड की कली को लेंगे और यहाँ पर लैस को अटैच करेंगे। यह लैस हम जो है फ्रंट साइड में ही अटैच कर रहे हैं, तो इस लैस को हम इस कली पर ऊपर से नीचे तक अटैच कर लेंगे। यहाँ पर हमने एक साइड की कली पर लैस को अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसे हमारे जो फ्रंट में कली आएगी यानी कि फ्रंट पैनल जहाँ पर हम गले को भी अटैच करेंगे, जो हमारा जॉइंट पार्ट है, यह हमने 2 कट किए हैं बैक और फ्रंट के लिए, इसमें से एक को लेंगे और हम जो हमने यह लैस अटैच की है इसकी सीधी साइड को सीधी साइड रखते हुए इस पर से सिलाई को लगाएंगे। यहाँ पर सिलाई हम उल्टी साइड से लगाएंगे जहाँ पर हमारी यह लैस जोड़ने के बाद सिलाई नज़र आ रही है। इस तरह से अगर हम इस लैस को बीच में रखते हुए इस पैनल को अटैच करेंगे तो हमारी जो लैस है वो एक जैसी फ्रंट में नज़र आएगी। अगर आप सिलाई को देखते हुए दूसरी साइड से लगाएंगे तो आपकी जो लैस है वह कहीं से कम और कहीं से ज़्यादा शो होगी। तो हमेशा ही लैस एक साइड अटैच कर लेने के बाद हमें दूसरी साइड का जो कपड़ा अटैच करना है जहाँ से हमारी यह सिलाई नज़र आ रही है उसको ऊपर साइड रखते हुए ही इस लैस को या इस कपड़े को जॉइंट करें। यहाँ पर यह देखिए, हमने इसे एक साइड जॉइंट कर लिया है। आप चाहें तो इस लैस की किसी भी डायरेक्शन में जो है कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बाहर की साइड शो कर रही हूँ। तो इसकी ऊपर से बीच वाली जो हमारी कली है यहाँ से एक और पक्की सिलाई से इसको अटैच कर देंगे ताकि प्रॉपर फिनिशिंग में हमारी जो लैस है वो जिस साइड हम इसे शो करना चाहते हैं उसी साइड यह बनी रहे।
यह देखिए हमने फ्रंट पार्ट है जो उसकी एक साइड इसकी कंप्लीट कर ली है और दूसरी साइड भी हम लेस लगाकर सेम मेथड से इसको पूरा कर लेंगे। अब यहाँ पर यह देखिए हमने यह फ्रंट पार्ट रेडी किया है जिसकी दोनों साइड जो जॉइंट आने वाला था वहाँ पर हमने वाइट लेस अटैच करके इसको तैयार कर लिया है। सेम इसी मेथड से हमने बैक साइड की जो कुर्ती की पार्ट है उसको भी रेडी कर लिया है लेकिन यहाँ पर हमने लेस को अटैच नहीं किया है। अब यहाँ पर हम इसके आर्म होल की कटिंग करेंगे तो इसको जो है हम डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। अब यहाँ पर हम इसकी 1 से 1.25 इंच की गहराई रखते हुए फ्रंट का आर्म होल भी कट कर लेंगे और 1/2 इंच से ऊपर से इसको डाउन कर लेंगे। साथ में सेंटर में कट लगाएंगे ताकि हम यहाँ पर गले को अटैच कर सकें। अब यहाँ पर हम इसके जो है फ्रंट साइड में गले को बनाएंगे और साथ ही हम बैक साइड भी यहाँ पर गले को बनाकर इसको रेडी कर लेंगे। इसका नेक मैंने कैसे बनाया है आपके साथ मैंने इसकी वीडियो भी शेयर की है। यहाँ पर मैंने 6x7 इंच का राउंड नेक कट किया था जिसमें हमने यह बारीक वाली जो वाइट लेस है इसकी किनारी से लगाते हुए इनविजिबल तरीके से हमारे गले को रेडी किया था। देखिए यहाँ पर हमने इस गले को रेडी किया है। इसकी शॉर्ट्स में मैंने फुल वीडियो आपके साथ शेयर की है कि कैसे प्रॉपर फिनिशिंग के साथ हम इसको अपने गले के साथ अटैच कर सकते हैं, यह वीडियो आपके साथ शेयर की है। अब हम यहाँ पर हम बैक साइड की जो कुर्ती है यहाँ पर भी गले को बनाएंगे। यहाँ पर गला बनाने के लिए हम बुकरम का गला यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम ओरे पट्टी से नेक को बनाएंगे। तो इसकी चौड़ाई मैंने 6 इंच ली है और गहराई आप कितनी भी ले सकते हैं लेकिन मैं ज़्यादा गहरे गले नहीं पहनती तो मैंने 5.5 इंच की इसकी गहराई ली है और इसको राउंड शेप में हम कट कर लेंगे। बैक नेक में गला बनाने का यह सबसे इजी तरीका है कि आप राउंड नेक कट करें और फिर इसको पट्टी के साथ बनाएं। तो यहाँ पर हम ओरे पट्टी कट करके नेक को बनाएंगे क्योंकि सीधी पट्टी से आप अगर नेक बनाना चाहेंगे तो नेक में झोल आएंगे तो आपको ओरे पट्टी कट करनी है। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.25 से 1.5 इंच ओरे पट्टी कट कर ली है। अब हम इससे फोल्ड करते हुए अपने बैक साइड का नेक बनाएंगे। यहाँ पर मैंने जो है कई तरीके आपके साथ शॉर्ट्स में वीडियो में शेयर भी कर चुकी हूँ कि बैक नेक को हम पट्टी के साथ कैसे अटैच करें। तो अब यहाँ पर हम इसके कंधे जॉइंट करेंगे बैक साइड और फ्रंट साइड का नेक बनाने के बाद। प्रॉपर फिनिशिंग में इसकी जो है कंधे को जॉइंट करें, यह भी वीडियो काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ। धीरे धीरे मैंने आपके साथ लगभग हम सिलाई से रिलेटेड जो भी टेक्निक्स होती हैं वो शेयर किए हैं कि आप ताकि आपकी जो सिलाई है वो इजी तरीके से हो सके। यहाँ पर हम इस कुर्ती की कंधे को जॉइंट कर लेंगे और हमेशा कंधे जॉइंट करते वक्त ध्यान दें कि 2 सिलाई का प्रयोग करें क्योंकि अगर कहीं से हमारी सिलाई निकल भी जाती है तो हम वहाँ पर दोबारा सिलाई लगा ले सकते हैं लेकिन कंधे का पार्ट है वो काफ़ी छोटा होता है तो हम उसे दोबारा सिलाई लगाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अब बैक के साइड का यह देखिए एकदम प्रॉपर फिनिशिंग में इसकी कंधी है सफाई से यहाँ पर फोल्ड हो जाएगी। आप बैक का जो नेक है इसको पलट कर यहाँ पर से सिलाई को लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए एकदम प्रॉपर फिनिशिंग में और बिना झोल के हमारी बैक साइड की जो कुर्ती है उसका नेक है हमने रेडी किया है। यहाँ पर यह प्रॉपर कॉटन का फैब्रिक है तो आपको थोड़ी सी जो है इसमें हल्का सा खिंचाव महसूस होगा लेकिन प्रेस हो जाने के बाद वह खिंचाव भी चला जाएगा। अब हम यहाँ पर इसकी फिटिंग को मार्क करेंगे। सेम यहाँ पर अब हम इसे डबल फोल्ड करके निशान लगाएंगे।
हमारे निशान सेम वही रहने वाले हैं। चेस्ट पर हमने यहाँ पर 10 इंच यानी कि हमारी जो 40 इंच की चेस्ट रेडी है, तो हमें उसका फोर्थ पार्ट यानी कि 10 इंच पर निशान लगाएंगे। और कमर के लिए हम इसकी गहराई 7 इंच रखेंगे और चौड़ाई हमारी 36 इंच रेडी है, तो उसका फोर्थ पार्ट यानी कि 9 इंच पर एक निशान लगाएंगे। यहाँ पर अगर आप हिप पर भी प्रॉपर टाइटनेस चाहते हैं तो यहाँ पर निशान मार्क कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर निशान मार्क नहीं करूँगी क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ा लूज चाहिए। अब हमने यह जो निशान लगाए हैं इनको मिलाते हुए नीचे की हमारी जो कुर्ती का घेर है वहाँ से हमें 1 इंच का यानी कि एक जो हमारा इंची टेप है उसका रखते हुए निशान को लगा लेना है। नीचे से हमें ज़्यादा सिलाई में कपड़ा नहीं लेना है, 1 इंच का ही यहाँ पर मार्जिन रखते हुए निशान लगाना है। अब यहाँ से हम इसको गहरा कर लेंगे और दूसरी साइड भी इसकी जो है कुर्ती पर छाप लेकर आएंगे। फिटिंग के निशान मार्क हो जाने के बाद अब हम हमारी कुर्ती के बैक साइड और फ्रंट साइड को पकड़ेंगे और यहाँ से हम इसकी सिलाई को लगा लेंगे दोनों साइड से। यहाँ पर हमने फिटिंग के निशान है जो वो लगा चुके हैं, साथ में हमने सिलाई लगाकर इनको अटैच कर लिया है। अब हमने इसके जो नीचे का घेर है उसको सफाई के साथ राउंड कट करना है। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो सिलाई के बाद ऊंचा नीचा रह गया था, यहाँ से उसको कट करते हुए सफाई के साथ यहाँ से नीचे से इस कट कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ से निकाल देंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारी जो कुर्ती है उसकी लेंथ है जो वो 40 इंच बची है, लेकिन हमें यहाँ पर 42 इंच रेडी करनी थी, तो हम इसके नीचे फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक यूज करेंगे। तो सेम फैब्रिक न होने की वजह से हम इसमें वाइट कपड़ा अटैच करेंगे नीचे फोल्ड करने के लिए। यहाँ पर आप इसकी जो चौड़ाई को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैं यहाँ पर कम इंच का कपड़ा लेकर इसको फोल्ड करूँगी ताकि जो जैसे मेरी कुर्ती के नीचे से घेर है काफ़ी नीचा नहीं है, तो अगर आपकी कुर्ती की फ्लेयर नीचे तक है तो यहाँ पर आप जो है चौड़ा फैब्रिक यूज करें। तो यहाँ पर हम इस फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखेंगे और नीचे की साइड पलट देंगे, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर लैस अटैच करेंगे जिससे हमारी कुर्ती की जो फ्लेयर है वो अच्छे से नज़र आए और इसकी लुक भी अच्छी नज़र आए। तो हम सबसे पहले इस लैस को अटैच करके फिर हम इसके ऊपर यह फैब्रिक रख के सिलाई लगाएंगे और इस फैब्रिक को अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे और इस तरह से हमारी प्रॉपर फिनिशिंग में घेर भी रेडी हो जाएगा। यहाँ पर सेम मेथड से हम पहले इस कुर्ती पर यह जो हमारी लैस है इसको अटैच कर लेंगे, जैसे हमने पैनल अटैच करते वक्त वहाँ पर लैस को अटैच किया था। यहाँ पर इसकी जो सीधी साइड है लैस की वो हमारी सीधी कुर्ती की साइड रहेगी और यहाँ ऊपर की साइड है जो इसकी उल्टी साइड है, क्योंकि यह पलट कर अंदर की साइड चली जाएगी। इस तरीके से हम हमारी कुर्ती के चारों तरफ इस लैस को अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारी जो लैस है वो फाइनल प्रोसेस पर है। यहाँ पर हमें इसको जो हमने ऊपर की साइड लैस नज़र आएगी उसको अंदर की साइड फोल्ड करते हुए ऊपर से दूसरी लैस को रखकर सिलाई लगानी है, क्योंकि अगर आप ऊपर खुली साइड रखेंगे तो वह दिखने में अच्छी नज़र नहीं आएगी। और इसी तरीके से हम पूरी लैस को यहाँ पर अटैच कर लेंगे। यह देखिए अब यह जो लैस हम इसको ने लगाई है यह पलटकर ऐसे कुछ नज़र आएगी। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर वाइट कपड़ा लेंगे जो इसको हम कुर्ती की नीचे की साइड अटैच करेंगे। तो यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है वह मैंने 3 इंच की ली है, अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं।
अब यहाँ पर हम अपनी कुर्ती को लेंगे और जो यह हमने फैब्रिक कट किया है इसको डबल फोल्ड करते हुए अपनी कुर्ती की नीचे की साइड जॉइंट करेंगे। सेम हम इसको उसी मेथड से यूज करेंगे कि हम हमारी कुर्ती है जो इसको उल्टी करके इस पर नीचे हम इस फैब्रिक को रखेंगे और जो हमारी सिलाई नज़र आ रही है यहाँ पर इसके ऊपर सेम सिलाई से हम इसको अटैच कर लेंगे। यहाँ नीचे की साइड भी हम सेम उसी मेथड से इस कपड़े को अटैच करेंगे जैसे हमने लेस को अटैच किया था। अब हमने इस फैब्रिक को यहाँ पर अटैच कर लिया है। अब इसको पलट कर हम उल्टी साइड इस पर सिलाई को लगाएंगे, इसे हम अंदर की साइड नीचे फोल्ड कर देंगे और लेस को इसमें ऐसे हमारी यह शो होगी। तो अब हम इसके ऊपर की किनारी पर से यहाँ पर सिलाई को लगाकर इसको चारों तरफ से पक्का कर लेंगे और ऊपर की साइड यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर अब हम अपने स्लीव्स को रेडी करेंगे और यहाँ पर मैंने इस स्लीव्स के पैटर्न को कैसे बनाया है इसकी शॉर्ट्स भी आपके साथ शेयर की है। इसमें डिजाइन फिल करने के लिए हम सेम लेस का प्रयोग करेंगे जो हमने हमारी कुर्ती पर अटैच की थी। यह देखिए इस लेस को अटैच करके हमने स्लीव्स के सेंटर में यह डिजाइन बनाया है। अब हम इसको रेडी करके अपनी कुर्ती के साथ अटैच कर लेंगे। इस स्लीव्स का फाइनल लुक काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है और यह बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि हमें यहाँ पर जॉइंट को छुपाने के लिए इसको बनाया है। तो इसी के साथ हमारी जो यह सिक्स पैनल वाली कुर्ती है वो बनकर तैयार हो चुकी है। साथ में आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में भी ज़रूर बताना और बताना कि आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आया या नहीं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।